रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है, सच बोलता है। सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसरता। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सैक्रेड हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। आ गया बैठना काजल। अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना, मैं एक मिनट में आता हूं। काजल बास्टर्ड, तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुर के किस्से मैं पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये लगता है। तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे गौर से देखो, ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे, क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे? बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को? हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। ओए! जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा। बहुत सिर्फ मौत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। यह है टीना, कमाल की हसीना। इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, मगर इसका आदमी बड़ा कमीन था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ, नहीं समझा? दूसरा सुन, एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा, उसको बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है,
उसने कहा सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन, एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम्मी से, बोला मम्मी 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 किचन में ना रामू नौकर है ना लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ उल्लू कपट्टे ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी अप्रैल फूल अप्रैल फूल, वो रामू ने था डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है, है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरे वो कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कलम पिक्चर देखने गया था। कुछ कुछ होता है, है? मेरे बगैर मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन, तुम तो हमको रवि रवि अरे को रोको उसको, अरे रवि अरे बचाओ। तू औरत है कि बुलडोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय क्या पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। चारों तरफ फैल जाओ। डाकू सचमुच आए थे या फिर ऐसे ही? सच्ची। हाय डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन? करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूं। रवि की तो हालत देखी है ना आपने, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का, वो तैयार हुई कि नहीं? अरे अरे इधर कहाँ चली आ रही है, इधर कहाँ चली आ रही है, मतलब भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई है। हाँ 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 उधर चल उधर, खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो, नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले, मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है, ये क्या मतबल बुढ़िया, तू क्या समझे मने, ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भोकती तो वैसे ही है। भोकती नहीं काटती भी हूँ, दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। बुढ़िया सुश्री तेरी को इंतजार करी कजरी की। अरे 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 कजरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी। इंतजार करी। ए बुढ़िया बहुत बड़ा पूरा ले लिया तूने। क्या हो रहा है ताई, क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है,
अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो, मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा को। कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से ही छुटकारा नहीं मिलता। जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ हाँ जाती हूँ, जाती हूँ सब जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी गजरियाँ ना? धोखे में आई थी, धोखे में, कि गजरी देख कर रहा बड़े लोगों का घर कैसा होता है, ऐसा होता है साला, सुसरा ऐसा होता है जी। जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं, फिर मत कहियो कि गजरी ने कही नहीं। हाय राम, सारी पुरी सिर फोड़ लिया कम्बख्त की मारी ने। सारी पुरी